हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। घर में लगा लें ये पौधे, आसपास भी नहीं भटकेंगे कीड़े मच्छर, भूल जाएंगे आपका पता। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है। गार्डन या बालकनी में बैठकर मौसम का आनंद लेना, ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने का मज़ा अलग ही होता है। लेकिन ये एक ऐसा मौसम है जिसमें मच्छर और मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, जो घरों में कोहराम मचा देते हैं। इनसे निपटने के लिए आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मगर फिर भी निजात नहीं मिलती। लेकिन इसका इलाज है, आप घरों में कुछ पौधे लगाकर मच्छर और मक्खियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। नंबर एक, तुलसी। घर से मच्छर और मक्खियों को दूर रखने का सबसे कारगर तरीका है तुलसी का पौधा। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि इसकी सुगंध और तेल बहुत तेज होता है। बोनस के तौर पर या एक टेस्टी गार्निश के तौर पर भी काम आता है। नंबर दो, लैवेंडर। लैवेंडर भी मच्छर और मक्खियों को दूर रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। इस जड़ी बूटी की न केवल अद्भुत खुशबू होती है बल्कि यह मक्खियों, भृंगों और यहाँ तक कि पिस्सू को भी दूर भगाती है। यह लैवेंडर तेल के कारण होता है और अगर इतना ही पर्याप्त नहीं है तो यह पौधा टेबल की सजावट के रूप में भी बहुत अच्छा लगता है। बेडरूम के लिए भी यह कमाल की च्वाइस है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से नींद लाने में बहुत सहायक है। नंबर तीन, रोजमेरी। अक्सर खाने में रोजमेरी का इस्तेमाल आपने सुना होगा, लेकिन इससे कीड़े मकोड़े को भी घर से दूर भगाया जा सकता है। इसकी तेज़ खुशबू परेशान करने वाले मच्छरों और मक्खियों को दूर भगाएगी। किचन में आप रोजमेरी का पौधा रख सकते हैं। इसे आप इसका इस्तेमाल खाने में ही नहीं बल्कि मच्छरों को दूर रखने में भी कर सकते हैं। नंबर चार, नींबू बाम। नींबू बाम की पत्तियां मीठे या नमकीन व्यंजनों में खट्टेपन का स्वाद देने में काम आती है, लेकिन नींबू बाम मच्छरों और कीड़ों को भगाने में बहुत कारगर है। वो इसलिए क्योंकि इसमें सिट्रोनेला की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए बाजार के महंगे जहरीले रिपेलेंट्स को लाने की बजाय घर में नींबू बाम का पौधा लगा सकते हैं। नंबर पाँच, गेंदा। गेंदे का फूल न सिर्फ आपके बालकनी को खूबसूरत बनाने में काम करता है बल्कि इसकी खुशबू मच्छरों और उड़ने वाले कीड़ों को भी आपसे दूर रखती है। मच्छरों को भगाने के लिए इसकी फूल की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए इसका पौधा ही काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ पौधे जिसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।